हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा उपटन जो आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा अच्छे, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपके स्किन पे बहुत अच्छा सा निखार, बहुत अच्छा सा ग्लो लेकर आएगा ये। अगर आपकी शादी होने वाली है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, तो आज से ही इस उपटन को लगाना शुरू कर दें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे यूज करेंगे तो अपनी स्किन को आप देखेंगे कि कितनी अच्छी चमकेगी, बिल्कुल ग्लास की तरह। एंड गर्ल्स, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और या फिर ऑलरेडी हो चुकी है मेरी तरह, तो भी आप इस उपटन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइट जैसा ग्लो कौन नहीं चाहता है अपने चेहरे पे। और इतना अच्छा होममेड उपटन है कि यू लव दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, प्रॉमिस मी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, बहुत चीजें ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाते हैं। तो गाइस, लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है 2 स्पून चना दाल के, बहुत छोटा चम्मच ये नहीं है, मीडियम साइज़ का है, और 2 स्पून हमें लेना है मसूर दाल। मसूर दाल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ मसूर दाल के साथ। 2 चम्मच ले लीजिए। मैं इसे 15 से 20 दिन के लिए बना रही हूँ, उसी क्वांटिटी में मैं इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो और ज़्यादा या कम बना सकते हैं। इसका हम पाउडर बना लेंगे एक ब्लेंडर में डाल के, और जितना फाइन पाउडर बन सके उतना फाइन आप बनाइएगा। इसके बाद इसे छान लेंगे। तो पहले तो मैं एक छन्नी के हेल्प से छानने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो एक स्ट्रेनर की हेल्प से भी आप छान सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो एक स्ट्रेनर ले लेती हूँ मैं और उससे छानूंगी। इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी छान लें, और जो भी बच जाए उसको आप ऐसा स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, कभी भी आप फेशियल कर रहे हो या ऐसे भी। अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस, तो इसे ज़रूर डालिएगा। 2 चम्मच मैं डालूंगी चावल के आटे का, बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर होता है ये हम सबको पता है। इसके बाद मैं डालूंगी ऑरेंज पील पाउडर, आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, आप चाहें तो घर में बना भी सकते हैं। मैं बायो ऑर्गेनिक के सारे ऐसे पाउडर्स लेती हूँ, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। 1 बड़ा चम्मच मैं डालूंगी ऑरेंज पील पाउडर, या 2 छोटे चम्मच भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं डालूंगी 1 चम्मच रोज़ पेटल पाउडर का। गुलाब की पत्तियों को सुखा के ये पाउडर बनाया गया है, आप चाहें इसे घर पे बना लें और या फिर ऑनलाइन ले लें बायो ऑर्गेनिक से। और मैं डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी 1 से 1.5 चम्मच। गाइस आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन आपको वाइल्ड टर्मरिक मिलता है वो भी डाल सकते हैं, मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि हर स्किन पे हल्दी सूट नहीं करता है, थोड़ी इरिटेशन हो जाती है। इन सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लें, हमारा उपटन बिल्कुल तैयार है। ये हर स्किन टाइप के लिए गाइस, कोई भी आपका स्किन टाइप हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं डाली हैं जिससे आपके स्किन पे इरिटेशन हो या आपको सूट ना करे। मैंने इसमें इसीलिए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ताकि मैं इसे स्टोर कर सकूँ लंबे समय के लिए। इसे अब हम एक ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं या फिर बाहर भी रख सकते हैं 15 से 20 दिन। ये देखिए हमारा उपटन पाउडर बिल्कुल तैयार है ना, कितना आसान इसको बनाना, और बहुत ही अच्छा काम करता है ये आपके स्किन पे। जब भी आपको इसको यूज़ करना हो 1 से 2 चम्मच आप ले लें। अगर आपको फुल बॉडी पे लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए। और थोड़ा सा रॉ मिल्क डालिए इसमें, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहें तो कोई ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई स्किन ऑयल या कोई भी ऑयल आपकी चॉइस का, ऑलिव ऑयल वगैरह या फिर आमंड ऑयल। मैं इसे फेस पे लगा के दिखा रही हूँ, तो मैं कच्चा दूध डाल रही हूँ। पूरी बॉडी पे भी आप इस उपटन का यूज़ कर सकते हैं गाइस, तो कोई डाउट मत रखिएगा।
ये था ड्राई उपटन। अगर आपको वेट उपटन या जो गीला वाला उपटन होता है ट्रेडिशनल उपटन वो चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए हमारा उपटन तैयार है, आपको गीला रखना है सूखा रखना है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पूरे फेस पे इसे आप अप्लाई कर लें इवनली और बहुत ही हल्के हाथों से करें, क्योंकि थोड़ा सा दरदरा ये बनेगा। इसमें चावल का आटा है, मसूर दाल पाउडर है, मेरे सारे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं बिना किसी पार्लर के ट्रीटमेंट के। तो इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए हल्के हाथों से, बहुत ही आराम से, अपने फेस को रगड़ना नहीं है। और मैं सिर्फ फेस पे लगा के दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद आपको थोड़ा सा मसाज करना है आपको 5-7 मिनट। इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है गाइस, बट आप आराम से बिल्कुल मसाज करिएगा, बिल्कुल भी रफ़ हैंड्स या हैंड्स को बहुत फास्ट मत मूव करिएगा, बहुत ही आराम से आपको करना है सर्कुलर मोशन में। और हमेशा अपनी स्किन को लिफ्ट किया करिए, नीचे से ऊपर लेके जाया करिए, ऊपर से नीचे नहीं। जितने भी आपके पिगमेंटेड एरियाज़ हैं नोज़ के आसपास, आपके लिप्स के आसपास, माउथ के आसपास, उसे ज़्यादा फोकस करें, वहाँ मसाज ज़रूर करें। नेक पे भी मैं आपको ज़रूर करके दिखाती हूँ, बट वीडियो के लिए नेक पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मेसी हो जाता है, इसलिए मैं फेस पे करके दिखा रही हूँ। और पूरी बॉडी पे आप इस उपटन को लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे आराम से लगाइए जिस दिन भी आपके पास टाइम हो। 5 से 7 मिनट मसाज करने के बाद मैं एक अच्छा लेयर उपटन का लगा के छोड़ दूंगी। कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ें। ये देखिए अच्छा लेयर लगा लें, अच्छा मोटा लेयर लगा लें और इसे ड्राई होने दें। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे। तो मेरा पैक यहाँ पे ड्राई हो गया है और मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी एक टिश्यू से इसे वाइप करके। मैंने कोई कैमरा कट नहीं किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इंस्टेंट आप देख सकते हैं मेरे फेस पे इसका रिज़ल्ट। मेरा फेस कितना क्लीन और फ्लॉलेस नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं। और रेगुलरली आप इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके स्किन पे, आपकी बॉडी पे। और टू बी ब्राइड्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उन्हें तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। देखिए मैंने अपना पूरा फेस वॉश कर लिया है। मेरा पहला वीडियो और अभी का, मतलब पहली क्लिप और अभी की क्लिप में आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे स्किन के टेक्सचर में। स्किन ग्लो भी करने लगी है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल हो गई है, क्लीन हो गई है। बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपने फेस को वाइप करना है एक माइक्रोफाइबर टॉवल से, रफली मत करिएगा प्लीज़। देखिए बहुत ही सॉफ्ट सी स्किन हो गई है, इसमें मसूर दाल भी था, आपको किसी भी मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस उपटन को लगाने के बाद। ये देखिए तो दोस्तों, अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ उपटन चाहते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट चाहते हैं घर बैठे, तो इस उपटन को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा उपटन है ये। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का उपटन? बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इजी रेमेडी है, बना के आप इसे स्टोर कर सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे यूज करिए। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर अपने घर पे बना सकते हैं, जैसे कि संतरे का पाउडर हो गया, रोज पेटल पाउडर हो गया, फ्रेश आप बना सकते हैं। बट स्टोर करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राई होने चाहिए, इसलिए मैंने पाउडर का यूज किया है। सो गाइस, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी और काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।